हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू लर्नोलेट तो थर्टीन मार्च को आपका जो मैथ्स पार्ट वन का पेपर है अलजेब्रा का उस अलजेब्रा के पेपर में ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फॉर एसएससी क्लास टेंथ बोर्ड एग्जाम ट्वेंटी तो ट्वेंटी का जो आपका मैथ्स का पेपर रहेगा और जो कि वेंसडे को है तो उस पेपर के लिए ऐसे कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम डिटेल में देखने वाले हैं पिछले दस सालों के जो बोर्ड पेपर्स हैं, उसको एनालाइज करने के बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं लास्ट ईयर भी और उससे पहले भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए थे और आपको भी पता होगा आप लास्ट ईयर की वीडियोस देख सकते हो सो so, इस वीडियो में भी हम पूरे सारे जो चैप्टर्स है आपके उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं ओके okay. सो so, वीडियो काफी आप इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर वन से चैप्टर नंबर वन है आपका सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो उसमें आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन देखो आपको सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स है प्रैक्टिस सेट्स है प्रॉब्लम सेट्स है एंड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है उसको करना है तो फर्स्ट तो ये एक्टिविटीबल है उस का question आपको आ सकता है है कि जो uh, equation है, वो लीनियर है कि नहीं वो आपको फाइंड करना होगा यहाँ पर आपको एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ठीक है एक मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आपको पूछा जा सकता है ओके okay, नेक्स्ट है आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इसको सॉल्व करने को आपको आएगा तो आपको पता होगा कि एक मेथड है उससे आप उसको सॉल्व कर सकते हो ठीक है टोटल तीन मेथड से वैसे देखा जाए तो एक सब्सिट्यूशन मेथड होता है ठीक है सेकेंड वाला होता है आपका ग्राफिकल मेथड एंड थर्ड होता है आपका क्राइमस रूल्स ठीक है so, सो उस अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व कर सकते हो एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है सेवन एंड एट टाइप के वो आने के चांसेस ज़्यादा है ठीक है इसमें आपको पता होगा कि पहले एडिशन करना पड़ता है एक न्यू इक्वेशन क्रिएट होता है उसके बाद सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है और एक नया इक्वेशन क्रिएट होता है और ये जो न्यू दो इक्वेशन क्रिएट होते हैं उसको आपको फाइनली एड करना रहता है ठीक है सो ये सात एन आठ नंबर का जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में ओके okay? तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है सेकेंड है ग्राफिकल मेथड देखो ग्राफिकल मेथड से भी जो है आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो सो so, आपके एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको एक बॉक्स दिया जाएगा उसको फिलअप करना रहेगा एंड अगर ज़्यादा मार्क के लिए आता है चार मार्क के लिए ठीक है आता है सो हाई वेटेज के लिए अगर आता है तो उसको आपको सॉल्व करके जो है उसका ग्राफ भी आपको प्लॉट करना पड़ेगा ठीक है ओके नेक्स्ट देखते हैं हम सो डिटर्मिनेंट का तो क्वेश्चन गाइज हर साल अगर आप देखोगे तो पूछा गया है एक मार्क के लिए जो है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन पूछा गया है सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो फाइव इंटू नाइन माइनस सेवन इंटू थ्री ठीक है तो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन जो है वो आप मैक्सिमम देखोगे तो लास्ट टेन इयर्स में अगर आप बोर्ड एग्जाम में देखोगे तो मैक्सिमम पूछे गए हैं अब देखो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो सकती है बट ये ये जो फॉर्मेट रहेगा डिटर्मिनेंट फाइंड करने का वो आपको एग्जाम में आ सकता है ठीक है सो so, ये कंफर्म बोल सकते हो आप डिटर्मिनेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा एक मार्क का ओके नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट मेथड से मतलब आप क्राइमर्स रूल से जो है वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो सो so, सेम इस टाइप का इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा ओके okay, एंड मैंने यहाँ पर मेंशन किया है जो एक्टिविटी 14 15 पेज पर है एक्टिविटी वन एंड टू दैट इज़ ये दोनों एक्टिविटी ये दोनों एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होगा क्राइमरसूल में रहता क्या है आपको डी फाइन करना रहता है उसके बाद डी एक्स देन डी वाई फाइन करना रहता है देन डी डी एक्स बाई डी आपका एक्स आता है एंड वाई इज इक्वल टू तो डी वाई बाई डी ठीक है सो so, यहाँ से आप एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइन कर सकते हो तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है ओके okay, तो टोटल तीन मेथड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं अगर आप देखोगे तो ठीक है सो प्रैक्टिस सेट 1.4 में फोर में आपके दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए देन पेज नंबर 24 25 के ऊपर सॉल्ड एग्जाम्पल्स जो है वो आपको देखने हैं ठीक है क्योंकि सोल्ड एग्जाम्पल्स आप स्किप करते हो बट आपने देखा होगा प्रीवियस टेन ईयर्स में या फिर बोर्ड एग्जाम में कि जो सॉल्ड एग्जाम्पल्स है वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं और वो क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं ठीक है देन वन पॉइंट फाइव अब वन पॉइंट फाइव किसके ऊपर बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ सैमलडीनियस इक्वेशन ओके अब एप्लीकेशन मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स है ये अब देखो वर्ड प्रॉब्लम्स में सिंपल लेवल के क्वेश्चन आएंगे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेंगे तो किसी भी एक्सरसाइज में देखोगे किसी भी प्रैक्टिस सेट में देखोगे तो स्टार्टिंग के जो पाँच छः एग्जांपल्स होते हैं चार पाँच एग्जांपल्स वो बहुत इजी लेवल के होते हैं सो so, ये जो सारे एग्जांपल्स है वो इजी लेवल के हैं सो so, ये चार एग्जाम्पल्स आने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इजी रहते हैं एज कम्पेयर टू ईवर स्कूल लेवल ठीक है स्कूल में जो पेपर होते हैं उससे भी आसान लेवल के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं ओके okay, सो so पहले चार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए एंड उसके बाद आप प्रॉब्लम सेट में देख लो प्रॉब्लम सेट वन जो है उसमें आप जो स्टार क्वेश्चन है ठीक है जो स्टार क्वेश्चन है उसको कर लेना ओके okay? सो so, अगर आप रिवाइज़ करोगे तो इसमें आपको क्या करना रहेगा इस चैप्टर में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को करना रहेगा उसको सॉल्व करने के तीन मेथड है एक है आपका सब्सटीट्यूशन मेथड ठीक है उसके बाद ये आपका ग्राफिकल मेथड एंड थर्ड है आपका डिटर्मिनेंट का मेथड क्राइमस रूल ठीक है एंड ठीक है ये थर्ड है आपका क्राइमस रूल एंड डिटर्मिनेंट का तो आपको पता होगा कि आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना रहता है एंड इस तरह से मल्टीप्लाई करना रहता है एंड उसके बाद सब्सट्रैक्शन करना रहता है ठीक है सो इस तरह से आ सकता है एंड लास्टली आपके वर्ड प्रॉब्लम आपको इस चैप्टर में करने रहेंगे तो इतने पाँच से छः पॉइंट्स आपको टोटल इस चैप्टर में करने हैं ठीक है थीके? टोटल फाइव टू सिक्स पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में पूरे कवर करने रहेंगे और इसमें आपको गारंटीड मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हो यहाँ पर इस जो मैंने पॉइंट बताया है उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे गारंटेड ठीक okay. है ओके नेक्स्ट आपका सेकेंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बता दिया आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ये जो आपका वो क्वेश्चन आ सकता है कि जो गिवन पॉलिन से उसमें से लीनियर है कौन सा है क्वाड्रेटिक कौन से उसको डिस्टिंग्वेश करो ठीक है डिफ्रेंशिएट करो सो so एक या फिर दो मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपको आ सकता है ठीक है अगर दो होंगे तो एक मार्क के लिए आएगा अगर चार इस तरह से चार होंगे तो दो मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है एक अगर आप एक आपका आंसर सही रहेगा तो आपको हाफ मार्क मिलेगा ठीक है तो चार के आपको दो मार्क्स मिलेंगे सो so, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है सेकेंड आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सो यहाँ पर आपको आपको पता होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है तो उसको कंपेयर करके आपको जनरल फॉर्म लिखना है एबीसी की वैल्यू लिखने है ठीक है ये टेबल कंप्लीट करो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ओके okay, दो मार्क के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन पे नेक्स्ट है ये देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर बोल सकते हैं ये दोनों फाइव एंड सिक्स फाइंड के आपको के फाइंड करना है इफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड uh, यहाँ पर भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स बस आपको यहाँ पर आंसर दिया है एंड ये जो फिल इन दी ब्लैंक्स है उसको फिलअप करना है तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है रहेगा इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है ठीक है उसके बाद देखो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर आपको किस तरह से क्वेश्चन आएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा और आपको चेक करना रहेगा कि एक्स इज इक्वल टू दो वैल्यू दिए होंगे uh, वो सॉल्यूशन है क्या वो आपको फाइंड करना रहेगा तो आपको पता है सिंपली क्या करना होता है एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी होती है अगर आंसर जीरो आया तो वो उसके रूट्स होते हैं अगर नहीं आया तो उसके रूट्स नहीं होते तो सिंपल दर इसको फाइंड कर सकते हो देन यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपको क्या रहेगा ये भी एक मार्क का क्वेश्चन है एक या फिर दो मार्क के लिए आ सकता है मैक्सिमम एक मार्क के लिए आएगा कि ए एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इस फॉर्मेट में उसको लिखो एंड इस इक्वेशंस को एंड ए बी सी इसके जो वैल्यूज है आपको फाइंड करने हैं तो मैक्सिमम एक मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा ओके बाय चांस दो मार्क के लिए भी आ सकता है ठीक है उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है डिटरमाइन दर वैल्यूज ऑफ अगेंस ओके सो यहां पर भी आपको रूट्स जो होंगे वो फाइंड करने रहेंगे वो आपको चेक करना रहेगा जो यहाँ पर हमने चेक किया ठीक है जो यहाँ पर ये यह जो क्वेश्चन है ना सेम टाइप इस टाइप के क्वेश्चन है अब देखो वैल्यू चेंज करके आ सकता है बट मैक्सिमम मैंने यहाँ पर लास्ट ईयर में जो कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको यहाँ पर मैंशन किए है ये टाइप सेम रहेगा ठीक है बोर्ड एग्जाम में आपके पूरे टाइप जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर हंड्रेड क्वेश्चन आएंगे ठीक है बस वैल्यू चेंज हो सकती है उसमें भी उसमें भी प्रोबेबिलिटी कम है कि वैल्यू चेंज हो क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ वो मैंने पूरे दस सालों के एनालाइज करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है ओके uh, सो okay? so, उसमें भी एक मेथड आता है फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है ओके कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड वो भी आपको पता होगी उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है तो उसको फॉर्मूला आप कर लो देखो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है फॉर्मूला formula? तो फार्मूलास को आपको करना होगा ठीक है सो नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आपको पता होगा वो माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी है ये है देखो फार्मूला तो जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको करने ही है यूजिंग फार्मूला फार्मूला करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे ओके एंड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन तो मैंने बता दिया है ऐसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन एक या फिर दो मार्क के लिए आपको पूछे जा सकते हैं तो उसको आपको करना रहेगा ठीक है नेक्स्ट सो so, यहाँ पर ऑप्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स सो आपको एग्जाम में डिफरेंट रूट्स भी दिए जा सकते हैं दो रूट दिए जाएंगे वो अल्फा बीटा करके वो फॉर्मूला यूज करके आपको क्या रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो फाइंड करना रहेगा ठीक है देन देखो फाइव सिक्स ये जो दो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आ, यहाँ पर आपको फाइंड करनी है के की वैल्यू ये दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है तो उसको करके जाना जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसको 100 परसेंट आपको करना ही है ठीक है उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वर्ड प्रॉब्लम ठीक है हर चैप्टर में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे लीनियर इक्वेशन में भी है इसमें भी है आर्थमैटिक प्रोग्रेशन में भी है ठीक है फोर्थ चैप्टर में भी है फिफ्थ प्रोबेबिलिटी में भी है ओके okay, सो so यहाँ पर जो स्टार दिए हैं जो स्टार किए हुए वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको करना है ठीक है जो स्टार किए हुए वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको करना है और मैक्सिमम ये जो क्वेश्चन नंबर टेन है वो आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है ठीक है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप बोर्ड एग्जाम में देखोगे तो पूछे गए हैं प्रीवियस प्रीवियस टेन टेन ईयर्स में अगर आप देखोगे तो ओके एंड अलगाइज मैंने यहाँ पर आपको हिंट भी दिया है पेज नंबर फिफ्टी फोर में जो क्वेश्चन नंबर इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन है उसको भी करके जाना क्योंकि सारे क्वेश्चन में यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर सकता ओके आपका टाइम इंपॉर्टेंट है जितना छोटा वीडियो हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ठीक है सो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बना बनाने के लिए क्योंकि पिछले दस सालों के पेपर को एनालाइज करने के बाद पूरे दस से पंद्रह दिन का टाइम इस वीडियो को बनाने के लिए गया है मतलब ये जो कंटेंट है उसको बनाने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एंड एनालाइज करने के लिए वीडियो तो एक दिन में हो जाएगा ठीक है ओके सो थर्ड चैप्टर है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ओके जिसको आप ए बोल सकते हो सो so, उसमें भी देखो सिंपल लेवल के क्वेश्चन रहेंगे आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिसट सारे करने हैं आपके सो so, ये एक मार्क का क्वेश्चन रहेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं उसको फाइंड करो सो so, उसको आपको पता होगा किस तरह से फाइंड करना है डी फाइंड करना रहता है डी अगर सबका सेम है तो वो आपका जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा उसके बाद यहाँ पर आपको ए फाइंड करना है डी फाइंड करना है तो ये क्वेश्चन आपको एक या फिर दो मार्क के लिए पूछा जा सकता है मैक्सिमम एक मार्क के लिए आएगा देखो ये क्वेश्चन ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा फाइंड नाइनटीन टर्म या फिर ट्वेंटी सेवन टर्म इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है अगर देखो ये आने के चांसेस है ही अगर यहाँ पर दूसरा नंबर भी आ सकता है ट्वेंटी एट टर्म फाइंड करो इस तरह से भी आ सकता है एंड यहाँ पर नीचे दूसरा सिक्वेंस भी हो सकता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सो बेसिकली देखा जाए तो एंड टर्म फाइंड करो का फॉर्मूला आपको करके जाना है उस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं अगर आप एंड टर्म फाइंड करने का अगर फॉर्मूला करके जाओगे उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे तो यहां पर कुछ भी आ जाए आ आ जाए जाए या फिर कोई भी उसको सॉल्व कर पाओगे बस फॉर्मूला को पता होना जरूरी है ठीक है उसके बाद सिक्स एंड सेवन नंबर के जो दो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज ठीक है ओके सो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखो गाइज क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री ये सेम टाइप के क्वेश्चन है सम ऑफ एन ठीक है सम ऑफ एन ये फाइंड करने का क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम लास्ट ईयर में अगर देखोगे प्रीवियस ईयर में अगर देखोगे बोर्ड एग्जाम के पेपर्स में क्वेश्चंस को पूछा गया है ठीक है और प्रैक्टिस सेट से ही जो क्वेश्चन है वो आए हैं सो so, यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन सबको करने ही है सम ऑफ uh, जो भी होगा सम ऑफ फर्स्ट वन टू थ्री इवन नंबर्स ठीक है वन ट्वेंटी थ्री है ये ओके एंड ऑल इवन नंबर्स बिटवीन वन एंड वन फिफ्टी देन नाइन सिक्स नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नाइन नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड वर्ड प्रॉब्लम्स में देखो मैंने बता दिया आपको बेसिकली जो सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं स्टार्टिंग के उसको करके जाओ परफेक्टली अभी ऐसा नहीं है कि बाकी के प्रॉब्लम्स को कम्प्लीटली छोड़ना है ऐसा नहीं करना जो ईजी है पहले दो चार पाँच प्रॉब्लम्स आपके ईजी रहेंगे उसको परफेक्ट वे में करके जाओ ओके क्योंकि देखो डिफ़िकल्ट टेबल के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में नहीं आते क्योंकि सबको पास होना है ठीक है बोर्ड वालों चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्टूडेंट पास हो तो उस अकॉर्डिंग पेपर जो है आपका वो बनाया जाता है ओके देन क्वेश्चन नंबर इलेवन ट्वेल्व थर्टीन तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड मैक्सिमम अगर हम मुझे पूछोगे तो ये तीनों में से क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एंड थर्टीन मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप क्योंकि ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन नंबर इलेवन है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो जो एडवांस स्टूडेंट्स है उसको वो कर पाएंगे जो बिले एवरेज स्टूडेंट है वो उसको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा तो देखो बोर्ड वाले क्या करते हैं मीडियम लेवल के एंड ईजी लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा डालते हैं एज कम्पेयर टू हार्ड लेवल तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि बोर्ड वाले ट्वेल्व नंबर एंड थर्टीन नंबर का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड वाले डाल सकते हैं इलेवन नंबर का चांसेस कम है बट फिर भी करके जाओ एंड क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखो क्वेश्चन नंबर फोटीन ये बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन है इसमें आपको जस्ट फिल इन हिंदी ब्लैंक्स करना रहता है ओके सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो टेन फिल इन हिंदी ब्लैंक्स आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं चार मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है ओके ओके गाइस सो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट का फाइनेंशियल प्लानिंग ये चैप्टर देखो बहुत से स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाता है तो इस चैप्टर के ऊपर आपको इजी लेवल के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट को डिफिकल्ट जाता है ठीक है सो so इजी मतलब क्या रहेंगे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे इसमें एक्टिविटी बेस्ड मीन्स सो ये जो टेबल होगा उसको आपको कंप्लीट करना रहेगा ओके okay? इस टाइप से सो so सिंपली आपको टेबल को फिलअप करना रहेगा फिलिंग दी ब्लैंक्स करने रहेंगे ये जो चार्ट है उसको कंप्लीट करना रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन आपको फोर्थ चैप्टर से फोर्थ यूनिट से ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे ठीक है देन मैंने एज यूजल आपको बता दिया जो स्टार्टिंग के वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको सही से कर लो पहले चार वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सही से कर लोगे तो सफिशियंट है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल प्लानिंग के थोड़े से डिफिकल्ट स्टूडेंट्स को जाते हैं तो इसकी वजह से मैंने आपको क्या बता दिया स्टूडेंट्स को अगर डिफिकल्ट जाते हैं तो बोर्ड वाले एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करेंगे वही वही आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे मैक्सिमम ओके okay? उसके बाद एक, अभी देखो एग्जाम्पल नंबर वन है ये सॉल्ड एग्जाम्पल है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं सोल्ड एग्जाम्पल्स नहीं करके जाते क्योंकि वो नहीं आएंगे ऐसा ऐसा वो सोचते हैं पर ऐसा नहीं है अगर आप पिछले दस सालों के पेपर देखोगे तो सॉल्ड एग्जाम्पल्स भी पूछे गए हैं और टेक्स्ट बुक के एज इट इज पूछे गए हैं एज इट इज ओके सो सॉल्ड एग्जाम्पल्स भी करने हैं एंड सॉल्ल्ड एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है ठीक है एक मार्क के लिए आ सकता है या फिर दो मार्क के लिए भी आ सकता है देन ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना ओके एक्टिविटी मतलब वो टेबल को फिल करो फिल इन द ब्लैंक्स को वो फिल करो इस टाइप के क्वेश्चन अभी ये बहुत सारे क्वेश्चन है आई नो दैट ये मैंने क्वेश्चन आपको शॉर्ट करके दिए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं जो मैंने दिए है उसको एक बार देख लो फोर्थ नंबर का है फिफ्थ नंबर का मैंने स्किप किया है देन सिक्स सेवन एट नाइन ये देखो ये स्टार वाले एट नाइन को करना ही है क्योंकि स्टार वाले क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है आ, एट नाइन टेन ये आई थिंक ये प्रॉब्लम सेट के आपके एंड ये आपके प्रैक्टिस सेट के हैं या फिर दोनों भी प्रॉब्लम सेट के हैं उसमें आपको पता होगा प्रॉब्लम सेट ए प्रॉब्लम सेट बी है ठीक है तो वहां से क्वेश्चन आए हैं शायद ये ठीक है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है कि ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं ओके नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट आपका चैप्टर प्रोबेबिलिटी जो कि सबसे इजी चैप्टर आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी के ऊपर देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है ठीक है ये जो आपको एक्टिविटी बेस्ड दिया है टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पर एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आ, आपको लिखना होगा सैम्पल स्पेस लिखो एन ऑफ एस लिखो ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है वन कॉइन ट्रॉस करने के बाद उसका सैम्पल स्पेस क्या है टू कॉइन ट्रॉस करने के बाद थ्री कॉइन ट्रॉस करने के बाद एक डाई थ्रो करने के बाद टू डाई साइमल्टेनियसली थ्रो करने के बाद ओके कार्ड ड्रॉन सो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है उसको करके जाओ परफेक्टली ठीक है इसको परफेक्टली करके जाना है देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है ये एरो टाइप के क्वेश्चन है ना आपका ये पहला है कैलेंडर बेस्ड ये क्वेश्चन है ठीक है कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन ये है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर थ्री इन द मंथ ऑफ मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन फाइन द डेज ओके सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर इस एक्सरसाइज में मुझे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर वो क्वेश्चन नंबर टू है ठीक है ये एरो दिया होगा एंड एरो देने के बाद यहाँ पर नंबर भी हो सकते हैं जो कि मैं आपको बाद में बता दूंगा आपको बाद में एक शो भी करूंगा प्रॉब्लम सेट में सेम टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर नंबर आपको गिवन है सो so, ये टाइप का क्वेश्चन आने के भी ज़्यादा चांसेस है ठीक है प्रोबेबिलिटी आपको इसमें फाइंड करनी रहेगी ओके okay? यानी देखो ये सा, जो सारे uh, इस ये जो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसकी जो सोल्यूशंस है वो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं अन अकेडमी के अन अकेडमी इमेज बोर्ड इस चैनल के ऊपर तो जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी अन अकेडमी इमेज बोर्ड के ऊपर प्रोवाइड किए हैं वो अगर आप सर्च करोगे अन एकेडमी एम बोर्ड तो वहाँ पर मैंने देखते सबको मिल जाएंगे ठीक है ओके ओके सो क्वेश्चन नंबर फोर भी इंपॉर्टेंट है उस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है देन देखो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर एड किया है ये सोल्ड एग्जाम्पल में आता है सो सॉल्ड एग्जाम्पल्स गाइड्स करने हैं और जो मैं बता रहा हूँ वो तो करने ही है और मुझे मैंने जो नहीं बताया उसको भी एक बार देख लेना ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है ये चार मार्क के लिए या फिर दो मार्क के लिए आ सकता है ठीक है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ये यह आपका प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है यहां पर आपको पूछा गया है कि सैम्पल स्पेस यस फाइंड करो ओके फॉर ईच इवेंट इवेंट अलग अलग इवेंट दिए हैं एंड उसकी प्रोबेबिलिटी आपको जो है वो फाइंड करनी है ठीक है सो वन डाई इज रोल्ड यहाँ पर टू डाई भी आ सकता है टू डाई रोल्ड साइमल्टेनियसली भी आ सकता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं देन यहाँ पर मेंशन है थ्री कॉइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली टू कॉइंस का भी क्वेश्चन आ सकता है ठीक है तो देखो आपको यहाँ पर फॉर्मेट समझना है बस क्योंकि अगर आप एक डाई का भी सॉल्व कर लोगे तो जो टू डाईज का क्वेश्चन है वो आपको आ जाएगा सॉल्व करने में ठीक है वो आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है क्वेश्चन के आंसर को रटना नहीं है वो उसको समझना है कि किस तरह से उसको सॉल्व करता है टू टू कॉइंस का अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो थ्री कॉइंस का आराम से कर लोगे ठीक है सो ये इंपॉर्टेंट है कॉइंस के सारे टाइप के क्वेश्चन कर लो एक दो टाइप के कर लोगे कि तो कॉइन के बाकी के जो टाइप्स के आएंगे वो भी आप सॉल्व कर पाओगे एक डाई का दो डाई का सॉल्व कर लोगे तो उसके ऊपर कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा तो उसको सॉल्व कर लोगे एंड देखो बोर्ड एग्जाम में घुमा फिरा के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते एज इट इज़ आपके जो टेक्स्ट बुक है वहां से प्रैक्टिस सेट से प्रॉब्लम सेट से एंड सोल्ड एग्जाम्पल से क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट किए जाते हैं ओके एंड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखोगे तो रिपीट भी हुए हैं तो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम की जो पेपर्स है उसको एक बार देख लो कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए उसको भी परफेक्ट कर लो क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम रिपीटेशन ही होता है क्वेश्चन का ओके okay. देन ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ओके सो थ्री मेन एंड फोर वीमेन सो इसकी कमेटी कर फॉर्म करनी है तो देखो कमेटी फॉर्म करो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है अभी ये क्वेश्चन आएगा क्या देखो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अभी ये कमेटी फाइंड करो इस टाइप का और भी क्वेश्चन आ सकता है ठीक है तो यहाँ पर मैं बताना क्या चाहता हूँ कि कमेटी फॉर्म करो इस टाइप के क्वेश्चन या फिर ग्रुप फॉर्म करो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ओके okay, नेक्स्ट क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इसलिए मैंने यहां पर मैंने ऐड किया है सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो देखो ये फोर्थ फिफ्थ तो एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन है डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है ये इजी क्वेश्चन सारे करने हैं आपको अभी देखो आप बोलोगे कि इजी क्वेश्चन सारे ही करने होंगे क्या ये गाइस इजी क्वेश्चन सारे करने होंगे उसमें मैं आपको उसमें और क्या इंपॉर्टेंट बताऊँ ठीक है मैंने जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको बता रहा हूँ बट ईजी क्वेश्चन यार सारे कर लो उसमें कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं ठीक है उसके बाद इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट प्रीवियस ईयर में अब यहाँ पर डाई नहीं है अगर ये डाई ही है बट उसके ऊपर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं है ए बी सी डी ई ए है ठीक है सो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एंड मैंने बता दिया देखो गाइज लास्ट ये यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया था कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और उसको घुमा फिरा कर अगर पूछा जाएगा तो नंबर आएगा यहाँ पर ठीक है तो ये और मैंने आपको जो पिछले स्लाइड में बताया वो क्वेश्चन सेम टाइप का है ओके सो तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो इस टाइप के क्वेश्चन को करके जाना ओके एक सर्कल दिया जाएगा एरो रहेगा एंड आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी रहेगी ठीक है तो इसको भी कर लो एंड ये स्टार वाले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एंड क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन को आपको भी आपको करके जाना है ठीक है फिफ्टीन सिक्सटीन भी इजी है उसको कर लो और इसको मैंने सॉल्व किया है सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है जितने भी क्वेश्चंस बताए वो उसको मैंने सभी सॉल्व किया है अनकेडमी आपकेडमी का यूट्यूब चैनल ओपन करो अन एकेडमी इमेज बोर्ड और अनिकेत माने भी आप वहाँ पर डाल सकते हो तो वहाँ पर मेरे सारे लेक्चर सबको मिल जाएंगे ठीक है देन चैप्टर नंबर सिक्स स्टैटिस्टिक्स ठीक हो चैप्टर नंबर सिक्स स्टैटिस्टिक बहुत बड़ा चैप्टर है और हर टॉपिक के ऊपर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा ठीक है सो so, फर्स्ट uh, जो आपका ये है uh, टाइप है वो है मीन फॉर्म आपको फाइंड करना रहेगा फ्रॉम क्लासिफाइड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो तीन मेथड है आपके एक है डायरेक्ट मेथड एक है एज मीन मेथड एंड एक है स्टेप डिविशन मेथड हर मेथड uh, के ऊपर एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पर ऑप्शन होंगे कि तीन में से दो सॉल्व करो या फिर दो में से एक सॉल्व करो तो बोर्ड एग्जाम में ये तीन में से कोई भी दो मेथड आ सकते हैं दो मेथड जो है होंगे आपको पूछे जाएंगे ठीक है एंड वो दो मेथड में से कोई भी आपको एक सॉल्व करना होगा एनी वन ठीक है ऐसा आ सकता है तो तीनों मेथड करके जाओ तीनों मेथड का जो है वो आपको फॉर्मूला करना रहेगा ओके okay? किस तरह से करना है उसको फाइंड कर लो एंड हर मेथड का एक दो एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करके जाओ ठीक है उसके बाद मीडियन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें भी आपको फॉर्मूला बस करना है फॉर्मूला करने के बाद टेबल बनाना रहता है उसके बाद देखो ये जो चैप्टर नंबर सिक्स है वो भी बहुत सिंपल है फॉर्मूला आपको आनी चाहिए और टेबल बनाना आपको आना चाहिए ठीक है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एंड मोड को आपको फाइंड करना रहेगा उसको भी उसका एक फार्मूला रहेगा एंड फार्मूला है एंड उसको इस तरह से फाइंड करना रहेगा फार्मूला को यूज करके ठीक है नेक्स्ट सो so, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो डाटा इंट्री प्रेजेंटेशन के ऊपर रहेगा उसमें भी आपको बहुत सारे जो है टाइप्स देखने को मिल जाएंगे तो उसमें आपका पाए डायग्राम है बार डायग्राम है उसके बाद हिस्टोग्राम है सो so, उसके ऊपर बहुत सारे डिफिकल्ट डिफरेंट लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे ठीक है सो so, वो आप बुक में देख लेना क्योंकि यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बताना जैसा कुछ नहीं है क्योंकि मेथड में आपको बताऊंगा इस यहाँ पर ये तीनों मेथड के ऊपर एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर तीन क्वेश्चन आपको करने रहेंगे तीन टाइप के यहाँ पर दो सो तो टोटल पाँच क्वेश्चन आपको इस स्लाइड में टोटल पाँच टाइप के क्वेश्चन करने हैं उसके बाद इसमें भी एक दो चार पाँच टाइप के क्वेश्चन हैं तो चार पांच टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं अभी यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से भी आ सकते हैं इसके ऊपर स्टैटिस्टिक में क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बाहर का भी जो है वो डेटा दे सकते हैं बस आपको मेथड आना चाहिए फार्मूला आना चाहिए फार्मूला आ गया तो कहाँ का भी क्वेश्चन दे दो आप सॉल्व कर पाओगे ठीक है सो so गाइज़ इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो चैनल के ऊपर नए चैनल को सब्सक्राइब करो ओके एंड अगर आपको ज्योमेट्री का जो है मैथ्स पार्ट टू का इंपॉर्टेंस चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता देना वीडियो कैसा लगा वो वो भी कमेंट करके बताओ एंड ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि okay? ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे ओके तो सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय